हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे फ्राइड पोटैटो फिंगर चिप्स। फ्राइड पोटैटो फिंगर चिप्स बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो हमने चार पांच आलू लिए हैं, उसको हम ऐसे मोटे मोटे पीसेस में हमने काट लिया है, छाछ लिया है हमने थोड़ी सी, मैदा थोड़ा सा लिया है, कॉर्नफ्लेक्स थोड़े से लिए हैं, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, नमक मिर्च हम डालेंगे स्वाद अनुसार। बनाने के लिए हमने सबसे पहले हमने गैस पे पानी बॉईल करने रखा है, उसमें नमक डाल दिया है एक दो चम्मच, उसमें हम ये इसको आलू को डाल देंगे, दो तीन मिनट इसको सिर्फ ब्लांच करेंगे, उसके बाद हम निकाल देंगे। जब हमारे आलू ब्लांच होते हैं तब तक हम मैदे में जो डालना है हम डाल लेते हैं, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैदे में ऑरिगेनो, थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, नमक डालेंगे थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, काली मिर्च भी डालते हैं थोड़ी सी, इसमें अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। नेक्स्ट हम आलू को हमने 5 मिनट ब्लांच करने के बाद बाउल में निकाल लिया, उसमें आधा चम्मच हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दिया हमने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डालेंगे, पोटैटो फिंगर चिप्स बनाने के लिए अब हम एक हाथ सूखा रखेंगे और एक गीला रखेंगे, अगर दोनों ही मिक्स करें तो मैदा गीला हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। सबसे पहले हम आलू को उठाएंगे, इसको हम मैदे में कर लेंगे, उसके बाद हम इसको लस्सी में कर लेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसको सूखे हाथ से ऐसे कर लेंगे, अच्छे से इसमें चिपक जाए, प्लेट पे रख लेंगे ऐसे, हम सारे आलू को ऐसे कर लेंगे, पहले मैदे में, फिर हम छाछ में, उसके बाद हम कॉर्नफ्लेक्स में सूखे हाथ से, क्योंकि हम सारे आलू को ऐसे करके रख लेंगे प्लेट में। ये हमने सारे आलू को ऐसे कॉर्नफ्लेक्स में करके ऐसे प्लेट में करके रख लिया है, और एक साइड पे हमने गैस पे ऑयल गरम करने रख दिया है। हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, हम धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो गया, फिर जो अच्छे से हो गया है और देखना उसको हम चिकन कवर से निकाल लेंगे।
ये हमारे फ्राइड पोटैटो फिंगर चिप्स बनके रेडी हो गए हैं। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।